विधायक के बेटे की हनक। थाने में घुसकर थानेदार को दे रहा धमकी। सत्ता के नशे में चोर और पुलिस पर अपनी हनक दिखाते ये नेताजी विधायक के बेटे हैं, जो पुलिस कर्मी पर इतना इस कदर गुस्सा निकाल रहे हैं मानो आज तूफान आ जाएगा। गोरौठा विधायक जवाहरलाल राजपूत के बेटे की गुंडागर्दी का ये नया कारनामा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। विधायक के बेटे राहुल पर बालू घाट पहुंचकर टोकन का कैश लूटने और कर्मचारी से मारपीट का आरोप है। शिकायत पर जब सत्ता की हनक दिखा रहे विधायक के बेटे को थाने लाई तो यहां भी उसने पूरे थाने को गंदी गंदी गालियां तक दी। ऐसा लग रहा है ये अपने आप को किसी राजा महाराजा से कम नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि जैसी नेता जी की गर्मी है उससे तो यही लग रहा है कि ना इन्हें कानून का कोई खौफ है और ना ही लिहाज। इसीलिए कानून की रखवाले पुलिसकर्मी से उसी के थाने पर खड़े होकर अपनी धौस जमा रहे हैं, मानो वो विधायक के बेटे ना हो, इलाके के राजा महाराजा हो और पुलिस उनकी नौकर। वही अफसरों के दबाव में थाने का स्टाफ गाली सुनने के बाद भी राहुल को बकायदा घर तक पहुंचाने गया। 18/10/2023 को थानाध्यक्ष ककरवी को सूचना मिली कि गरौठा विधायक जवाहर राजपूत के बेटे राहुल राजपूत के द्वारा जो खनन का कांटा है जिसमें टोकन दिया जाता वहां पे जाकर के अपने साथियों के साथ में मारपीट कर रहे हैं। इस सूचना पर थानाध्यक्ष मौके पर पहुंचे तो उनको पूछताछ हेतु थाने पर लाया गया था और थाने पर जो दूसरी पार्टी है जिनके द्वारा खनन कराने की बात थी वो लोग भी आ गए थे, जिनके साथ इन लोगों के द्वारा मारपीट की गई थी। वो दोनों संबंधी निकले, किसी कारण से उन लोगों ने कोई तहरीर नहीं दी जिनके साथ इनके विधायक के बेटे के द्वारा मारपीट की गई थी। तहरीर न देने के कारण कोई उनके द्वारा अभियोग पंजीकृत नहीं कराया गया था। जैसा कि आप बता रहे हैं वीडियो वायरल हो रहा है, जब थानाध्यक्ष ककरवई ने ये कहा कि भाई जब अगर किसी के द्वारा अवैध खनन किया जा रहा था तो आपको संबंधित अधिकारी से शिकायत करनी चाहिए थी, इस बात पर उत्तेजित होकर के विधायक के बेटे ने इस ढंग से बदतमीजी और अभद्रता थानाध्यक्ष के साथ की है। हम आपको बताते हैं इस घटना के पीछे की पूरी कहानी क्या है। ग्राम खरवाच में बालू का संचालित होता है और प्रतिदिन सैकड़ों गाड़ियां बालू की यहां से भर कर जाती हैं। बालू की गाड़ी भरने की बात को लेकर विधायक का बेटा राहुल राजपूत लाभ लश्कर के साथ बालू घाट पर पहुंच गया और घाट पर काम करने वाले कर्मचारियों के साथ उसने मारपीट की और ऑफिस में तोड़फोड़ तक कर दी। पीड़ित कर्मचारी ने आरोप लगाते हुए कहा, यहां पर टोकन लूटने आए थे, जब हमने मना किया तो हमारे साथ मारपीट की और टोकन में आग लगाने के लिए डीजल से भरे ड्रम तक फैला दिए। गरौठा विधायक का बेटा राहुल राइफल ताने हुए थे और उनके साथ 25 से 30 लड़के, सबके हाथों में लाठी और डंडे थे। ऑफिस में तोड़फोड़ की, जब पुलिस से शिकायत की तो पुलिस आई और सभी लोगों को थाने तक ले गई। लेकिन थाने में उसने जो अंदाज दिखाया वह वीडियो आप भी देखिए। कभी अवैध खनन के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले विधायक जवाहरलाल राजपूत का सुपुत्र राहुल राजपूत अब खनन एक्सपर्ट हो चुका है। वह थानेदार को जिस अंदाज में गाली दे रहा है उतनी रंगबाजी तो योगी के मंत्री भी नहीं कर पाते। लेकिन इन सब होने के बावजूद उल्टे अफसर गुंडागर्दी करने वाले विधायक पुत्र का बचाव करते भी दिखे और अफसरों के दबाव में थाने का स्टाफ गाली सुनने के बाद राहुल को बकायदा घर तक भी पहुंचा कर आया। झांसी के पुलिस अफसर भले ही इस गुंडे के आगे सरेंडर हो गए हैं लेकिन बाबा के बुलडोजर से कोई भी नहीं बचता। हालांकि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि विधायक के बेटे के इस रवैये पर एक्शन लिया जा सकता है। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म।